फैक्ट नंबर वन, 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट एक ऐसा इंसान बना है जिसके नाम के आगे गांधी नहीं जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक दिलचस्प घटना है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रेसिडेंट बनना एक संयोग से जुड़ा हुआ है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल साल 1946 में जब कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 में से 12 वोट मिले थे और जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। बावजूद इसके महात्मा गांधी के कहने पर पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया था और नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, जिसमें गांधी जी का मत ये था कि पटेल जी की उम्र उनका साथ नहीं देगी। ऐसे में उनसे 14 साल छोटे नेहरू जी ही इस पद के लायक हैं। लेकिन अब साल 2022 में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने से ठीक 14 साल छोटे शशि थरूर को हराकर इस पद पर पदासीन हो चुके हैं। अब ये एक संयोग नहीं है तो और क्या है, बस फर्क इतना है कि इस बार बात थोड़ी उल्टी है, लेकिन आंकड़े वही है। फैक्ट नंबर टू, गाइस, क्या आप भी हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए करते हैं, जिसकी वजह से आपका बैंक स्टेटमेंट काफी लेंथी हो जाता है? तो अब आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ गाइस, भीम ऐप ने अपने वॉलेट में यूपीआई लाइट नाम का एक वॉलेट ऐड कर दिया है, जिसके जरिए आप 200 रुपए तक के छोटे ट्रांजेक्शन को बिना यूपीआई पिन डाले भी कर सकते हैं और वो अपने बैंक स्टेटमेंट में भी शो नहीं होगा। वहीं आप इसमें 2000 रुपए तक का बैलेंस भी रख सकते हैं और इसकी सबसे खास बात, आप इसे बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं।